दोस्तों इसी महीने Realme 3 Pro में फरवरी का अपडेट आया था एंड इसी महीने में मार्च का भी अपडेट आ गया है और मैंने चार दिन पहले ये जो अपडेट है वो इंस्टॉल कर लिया है। वैसे मैंने ये अपडेट अभी तक इसलिए नहीं आप लोगों को बताया था क्योंकि मैं थोड़ा सा इसको देखना चाहता था कि आखिर है क्या, कैसे मतलब इस बार कैसे बटर परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि हर बार के जो अपडेट आते जा रहे हैं Realme UI में वो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत रह जाती है और इस बार के भी अपडेट में थोड़ी बहुत दिक्कत रह गई है। तो आज के इसी Realme 3 Pro के अपडेट के बारे में हम बात करने वाले हैं और क्या क्या इंप्रूवमेंट की गई है और क्या दिक्कतें अभी भी रह गई हैं, तो इसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के, लेट गेट स्टार्ट टू द वीडियो एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं Realme 3 Pro में न्यू अपडेट के बारे में जो कि मार्च का इस बार सिक्योरिटी पैच के साथ में कई सारे अपडेट भी आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आ चुके हम लोग मोबाइल फोन की स्क्रीन पे और अपडेट में आप लोगों को दिखा देता हूं कि यहां पे जो अपडेट है वो C.04 का होगा। ये आपको सामने C.04 का अपडेट दिख रहा है। यहां पे फीचर्स में दिखा देता हूं क्या-क्या अपडेट हुए हैं। यहां पे अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो सबसे पहली बात यहां पे आपको मार्च का सिक्योरिटी पैच देखने को मिल गया है। जो इश्यूज फिक्स किए गए हैं वो मैं बता देता हूं। यहां पे ऑप्टिमाइज द इफेक्ट ऑफ गेम ऑडियो, वेल मुझे ये बिल्कुल भी पहले प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हो सकता है कुछ लोगों को प्रॉब्लम हुई हो कि गेम के ऑडियो में कुछ जो इफेक्ट है वो देखने को ना मिल रहा हो और अब ये चीज फिक्स कर दी गई है। अब दूसरे इशू की बात करूं तो यहां पे फिक्स द प्रोबेबिलिटी एरर ऑफ बूट एनिमेशन डिस्प्ले। बूट एनिमेशन डिस्प्ले मतलब जब आप फोन को ओपन करते हो, ऑन करते हो, तो वहां पे जो बूट एनिमेशन आता है, एनिमेशन जो आता है उसमें थोड़ा बहुत इशू देखने को मिल रहा था। वेल ये इशू भी मुझे देखने को नहीं मिला था मतलब पिछले वाले अपडेट में, बट हो सकता है मे बी कुछ लोगों को, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी एरर, कुछ ही लोगों को मतलब ये चीज इशू हो रहा होगा, इस वजह से ये फिक्स कर दिया गया है फिलहाल। फिक्स द लो प्रोबेबिलिटी स्टक इशू वाइल द थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। तब आप जब थर्ड पार्टी को यूज कर रहे थे, थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे थे, उस टाइम पे आपको हो सकता है कोई एप्लीकेशन में स्टक देखने को मिल गया हो, मतलब आपका जो ऐप है वो हो सकता है कहीं ना कहीं रुक रहा हो जब आप पहले इसको यूज कर रहे होगे पहले वाले जो अपडेट। अभी वो जो चीज है वो चीज यहाँ पे फिक्स कर दी गई है एंड ये इशू मैंने भी फेस किया था। कई सारे ऐसे ऐप थे जिनको मैं चला रहा था और वो एकदम से स्टॉप हो जा रहे थे, तो ये वाला जो इशू है वो मैंने फेस किया था। वेल आप लोगों ने कौन कौन सा इशू फेस किया वो मुझे कमेंट में जरूर से बताना, मैं यहाँ पे बताते हुए चल रहा हूँ। ऑप्टिमाइज सिस्टम पावर कंजप्शन, देखो ये चीज तो अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, मतलब सिस्टम पावर कंजप्शन की अगर मैं बात करूं, पहले जो अपडेट आया था उसमें भी सिस्टम पावर कंजप्शन काफी ज्यादा हो रहा था, इस बार का जो अपडेट आया है इसमें भी कंजप्शन ज्यादा है। पहले के मुकाबले थोड़ा बहुत कम हुआ है बट स्टिल अगर मैं बात करूंगा अभी भी कंजम्पशन ज्यादा है। अगर आप 50% से जरा सी भी ब्राइटनेस ऊपर रखते हो तो कंजम्पशन आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फिक्स लो प्रोबेबिलिटी स्टकिंग इशू ड्यू टू द मेमोरी लीक ऑफ सिस्टम। देखो ये मेरे को दिक्कत नहीं हुई थी, कोई भी स्टकिंग इशू मेरे को नहीं हो रही थी ड्यू टू मेमोरी लीक। मेमोरी लीक की वजह से मेरे को कोई भी स्टक इशू नहीं आ रहा था, तो ये वाला प्रॉब्लम मेरे साथ तो नहीं था। आपको था तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। फिक्स द प्रोबेबिलिटी इशू दैट द फोटोज और द स्क्रीनशॉट आर नॉट डिस्प्लेड आफ्टर अपग्रेडिंग। अब इसका मतलब ये है कि जब आपने पिछला वाला जो अपडेट आया था उसको इंस्टॉल करने के बाद आपका जो स्क्रीनशॉट था या फिर फोटोज थी वो लेने के बाद आपके फोटोज में शो नहीं कर रही थी, ऐसा इशू प्रोबेबिलिटी इशू, ऐसा मतलब यहाँ पे बार बार ये चीज को दोहराया जा रहा है, प्रोबेबिलिटी इशू है ये। प्रोबेबिलिटी इशू का मतलब आप समझ रहे हो ना कि ये सिर्फ कुछ ही लोगों को देखने को मिला था, ये भी इशू मेरे साथ नहीं था। मेरे साथ सिर्फ 2 या 3 इशू थे जो कि यहाँ पे पावर कंजम्पशन वाला था और यहाँ पे जो स्टक वाइल द थर्ड पार्टी यूसेज था, थर्ड पार्टी जब हम ऐप को यूज करते हैं तब फोन स्टक हो जा रहा था, उस वो इशू था मेरे साथ। और यहाँ पे तीसरा जो था वो बूट एनिमेशन को लेके नहीं था, नहीं और मेरे साथ कोई भी इशू नहीं थे। यहाँ पे 2 ही इशू थे मेरे साथ, बाकी और कोई मेरे साथ इशू नहीं थे, बाकी सब सही सिस्टम चल रहा था, पर थोड़ा बहुत सा हैंगिंग सा लग रहा था क्योंकि पिछले वाले इशू में ऑप्टिमाइजेशन उतनी बढ़िया नहीं लग रही थी मुझे, बट इस बार देखते हैं कि क्या रहता है। मैं आपको 2 दिन और थोड़ा सा यूज करता हूँ तब बताता हूँ। तो दोस्तों 2 दिन हो चुके हैं और अभी मैं आप लोगों को टाइम दिखा दूंगा, अभी 12:15 हो रहा है, जो कि 12:15 पे मैंने ये गेम स्टार्ट किया है। आप सामने देख सकते हो कि यहाँ पे 12:15 हो रहा है, तो 12:18 हो रहा है। तो जितना भी एक मैच मैं खेलूंगा जो भी होता है, जो भी बैटरी ड्रेन होती है वो भी आपको पता चल जाएगी। यहाँ पे 94% बैटरी इस समय है और एक मैच खेल करके देखते हैं जितना भी टाइम का होता है, 5 मिनट का, 10 मिनट का, तो उससे पता चल जाएगा कि कितना बैटरी कंजप्शन हो रहा है। और मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ किस सेटिंग्स पे मैं खेल रहा हूँ। यहाँ पे ग्राफिक्स भी दिखा देता हूँ, HDR हाई सेटिंग्स पे खेल रहा हूँ। तो HD हाई सेटिंग्स पे खेलते हुए हमें क्या देखने को मिलता है वो भी अभी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो स्टार्ट कर दिया है मैच हमने और शुरू करते हैं। गेम में मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ तो प्लीज़ कोई इसको लेकर के कमेंट मत करना यार।
स्टार्ट करते हैं गेम। मैं यही वाला खेलता हूँ वैसे, पबजी में जब भी खेलता हूँ मेरे को यही वाला पसंद है, तो मैं यही वाला बेसिकली खेलता रहता हूँ। अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, 12 सेकंड है, देख करके आते हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा हुआ है, क्योंकि लोग निकल आते हैं इससे हमने जगह पता चल जाती है कौन कहाँ आ सकता है। ओके कोई नहीं था, अरे हटो मालिक। मैं मेरे लिए सबसे बढ़िया जगह ये वाली रहती है, मैं यहाँ पर आ कर के किनारे छुप जाता हूँ और फिर जैसे ही कोई सामने आता है उड़ा देता हूँ। मुझे पता है, देखा, मुझे पता था कि यहाँ पे बंदे आते हैं। ये वाली जो जगह है वो काफ़ी बढ़िया है, मेरे को काफ़ी सही लगती है ये वाली जगह पे। अपन से पंगा नहीं लेने का। आओ आओ आओ, बचा 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 बचा, मार दिया। कोई दिक्कत नहीं, अपन जो है मारेगा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मेरे बंदे को मारता है। हे हे गाइस, ये इधर आएगा आई थिंक। नहीं भाई साहब, 2 किलो हो गए। बच्चा, बहुत बच्चा भाई, क्या। चलो 3 किलो हो गए। अपन यहाँ पे छुप के बहुत मारा है, उड़ा दिया है अपन ने बहुत लोगों को। अरे इस बार मार दिया यार बंदे ने, शेट। चलो कोई नहीं, 3 किल किए हैं अभी तक। अपन यहीं बैठ जाता है और उसके बाद खूब सारे लोगों को मारने का कोशिश करता है बंदा। देखता है कौन है यहाँ पे। ओ माय गॉड, 4 किल हो गए भाई साहब, 4 किल हो गए। और ये पीछे छुपा बैठ था, जिसकी वजह से मुझे एक गोली खानी पड़ी। ओ माय गॉड, ये बंदा मेरे बंदे को उड़ा रहा है। ओ माय गॉड, गन बटोरने के चक्कर में अपन गोली खा गया। कोई बात नहीं। और यहाँ पे पबजी की बात करूँ तो काफ़ी स्मूथ चल रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है वैसे, मैं सही बताऊँ तो स्मूथनेस तो काफ़ी अच्छी है। देखो यार, इस फ़ोन में कभी पबजी में दिक्कत तो नहीं आई है खेलने में, कभी इस तरीके के इश्यूज तो नहीं हुए। बट स्टिल मैं बात करूँ तो पिछले वाले जो अपडेट था उसमें थोड़ी बहुत कभी कभी दिक्कतें आ रही थी, स्टक हो जा रहा था। मतलब गेम ऑडियो में तो मुझे कभी दिक्कत नहीं मिली, बट स्टिल स्टक हो जा रहा था। ओ भाई साहब, ओहो, कोई बात नहीं, 7 किल हो चुके हैं अपन के। और फंदा इधर को बैच नहीं है, यहाँ पे कोई नहीं छुपा है। और ये भाई साहब मेरे बंदे को मार रहे हैं, हम इनको उड़ा ना दिए तो कहना। और ये बहुत हमारे बंदे को मार रहे थे। चलो देखते हैं, अपन इधर से आओ, तुम आओ, यहीं उड़ा देगा अपन तुमको। ओ माय गॉड, गोलियाँ ख़त्म होने के चक्कर में अपन गोली खा गया। शेट, कोई बात नहीं, इधर से बंदा आ रहा है, इसको यहीं पे बैठो। ओ गजब, इसने एक ही शॉट में उड़ा दिया मेरे को। कोई बात नहीं, अगेन हम लोग खेलेगा। अभी इस वाली जगह को अपन ने छोड़ दिया था, यहीं पे खेलेगा अपन, यहीं चुपचाप बैठा है। बहुत मारता है मेरे बंदे को, कोई बात नहीं। 10 तो किल होने चाहिए ना, मतलब 40 का अगर है, 10 किल तो होने चाहिए। यहीं पे लेट जाता है अपन, अभी लेट के खेलेगा, बहुत थक गया है अपन, हमको गोली मारेगा। इधर भी किल कर दिया, हमको गोली मारेगा। आओ भाई साहब, लो 12 किल हो गया। अपन यहाँ पे लेट लेट के उड़ा देता है, चलने का ज़रूरत नहीं पड़ता अपन को। अब यहाँ पे एक और किल, कम से कम 39 तो हो गया है, बचेगा। ओहो, किसी ने पहले ही उड़ा दिया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक मैच दोस्तों ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे मैं बात करूँ, ओह शिट, 94% आई थिंक बैटरी थी और अभी 92% बैटरी बची हुई है, तो 2% का बैटरी डिक्रीज़ हुआ है, 2% बैटरी घटी है। और गेम प्ले हुआ है 7 मिनट का, 7 मिनट में 2% बैटरी आई थिंक ठीक है,
अभी ठीक है, मतलब इतने में बहुत ज्यादा बैटरी ड्रेन नहीं हुई है। ब्राइटनेस आप देख रहे हो 50% से भी कम है, मेरे ख्याल से 25% ब्राइटनेस रही है इस समय। तो 25% की ब्राइटनेस पे आप अगर 7 मिनट या 8 मिनट गेम प्ले कर रहे हो तो जो बैटरी ड्रेन है वो ज़्यादा नहीं है, 2% का है अभी, ठीक है। बट ये फ़ोन हल्का फुल्का भी हीटिंग अभी स्टार्ट कर दिया है, मतलब अगर आप लगभग 1 घंटे तक गेम खेलते हो तो अच्छा खासा ये हीट करने लगेगा, तो कवर अवर उतार करके खेलना। लेकिन मैं कहूँगा कि आप ये वाला अपडेट ना करो, क्योंकि इसमें हीटिंग इशू मेरे को देखने को मिल रहा है। ऑलरेडी मैं पहले इससे 1-2 घंटे गेम खेल चुका हूँ, मतलब अभी नहीं, कल मैंने खेला था, आज तो नहीं खेला, तभी मैं इस चीज़ को आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको सामने गेम खेलना था, इस वजह से मैं रिकॉर्ड किया। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतने थे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और Realme 3 Pro से और भी जितने सारे अपडेट आते रहेंगे आपको मिलते रहेंगे, तो इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें। और अपडेट से ही नहीं, काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। इनफैक्ट कल ही मैंने एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वीडियो अपलोड की है, जो कि फ्रॉड के बारे में थी। यहाँ पे मैं आई बटन पे दे रहा हूँ, जाकर के वो देख लेना। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और सोशल मीडिया पर फॉलो कर लेना।